एक ऐसा होगा जो शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली ऐसी शख्सियत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, ये भी ग्रेटर हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहा है। और जहां तक केसीआर साहब जो ग्रेटर हैदराबाद के लिए एक ये हैदराबाद के मिशन के लिए एक ऐसी हस्ती को चुना जो डायनामिक है, जो हरकियाती कायद है, जिनके जहन और हाथ ऐसे काम करते हैं जैसे कि एक मिशनरी काम नहीं कर सकती। यानी मेरी मिसाल केटी रामाराव साहब से है, जिन्होंने हैदराबाद को, जबकि उनका ताल्लुक एक जिले से है, लेकिन हैदराबाद को इतना सीरियस लिया है उन्होंने कि हैदराबाद के डेवलपमेंट के ऊपर उनका जो प्लान है और उन जो आईटी सेक्टर में जो नौजवान तालीम याफ्ता उभर कर आ रहे हैं उनको ऐसे ऐसे स्कीमात से उन्हें आरास्ता करें, ये भी काबिल मुबारकबाद है। और जहां तक खुसूसन हैदराबाद का जो अब तक का जो निज़ाम था, लोगों को पानी पिलाना, लोगों के ड्रेनेज सिस्टम, सिर्फ वो निज़ामी दौर का था, आज तक उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वही दो तालाबें हैं, लोग परेशान होते हैं लेकिन पानी उन्हें नहीं मिलता। लेकिन केसीआर साहब ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो कभी, अब तो पानी डेली आ रहा है और आने वाले दिनों में 24 घंटे प्रोवाइड करने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है। और जहां तक हैदराबाद की आवाम परेशान है तो मच्छरों से परेशान है, परेशान है तो ट्रैफिक से परेशान है, इन तमाम चीजों को भी केसीआर साहब ने एक अलग अलग अलहदा प्लान तैयार किया है। क्योंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, मैंने हैदराबाद में जब से होश संभाला है मैंने कई हुकूमतें बदलती देखी, लेकिन ये 18-19 महीने वाली ये हुकूमत अल्लाह के फजल करम से हर कौम को अपने साथ लेकर चला है, हर मजहब को अपने साथ लेकर चला है। रमजान आया तो मुसलमानों को ताइफ दिए, एक अच्छा खासा बजट दिया। क्रिसमस आया तो उनके साथ भी साथ में केक काटा और उनके साथ भी यानी एक अच्छा ताइफ उन लोगों को पेश किए। अब यहाँ बदकम्मा त्यौहार आया, बोनाल त्यौहार आया, वहां भी केसीआर साहब ने पूरी कौम को, लोग ये महसूस नहीं कर सक रहे कि ये सीएम, ये जो मिनिस्टर्स है, ये आखिर किस कौम के हैं। अब ग्रेटर हैदराबाद में जो घरों के टैक्स डाले जाते थे, केसीआर साहब ने परसों ही एक जीओ जारी करके तमाम टैक्सेस में कमी कर दी। और यहाँ तक के जो लाइट के नल के बकाया जात है, केसीआर साहब ने उसको माफी का ऐलान किया। खुसूसन मैं तमाम ग्रेटर हैदराबाद के रहने वाली आवाम से भरपूर इस बात की अपील करता हूं कि आप खाली वोट नहीं, अपने घर वालों के साथ और बंपर मेजोरिटी के साथ टीआरएस को 2 फीसद